हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय जरूर आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करते रहे तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती रहेगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करें। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल होता है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा लगने लगता है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख कर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। मैं उन्हीं ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सुख में भी आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्भीत होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।